सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सर्वे सिविल में आप लोगों का स्वागत है। मैं जैसे आप लोगों से बता गया था जो 2024 में आप लोगों को काम तो सिखाऊंगा लेकिन काम के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट भी करूंगा। आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल पिच शेयर करूंगा जो कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा। जो पैसा के पीछे आप लोगों को भगना नहीं है, पैसा आपके पीछे भगते हुए आएगा। ये तो कहावत है लेकिन ये कहावत के पीछे सच भी है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो सच है इसको कैसे आपका लाइफ में अप्लाई करना। तो मैं ये जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ये फेसर बंदों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फेसर बंदों को ये नॉलेज ज़रूरी है। तो देखो, फेसर बंदा क्या करता है ना, उसको कुछ मालूम नहीं रहता। फेसर बंदा को कुछ मालूम नहीं रहता है कहाँ से शुरू करना है, कहाँ जाकर उसको स्टैंड करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो पैसा के पीछे नहीं भगना है, पैसा तुम्हारे पीछे भगते हुए आएगा लेकिन आपको काबिल बनना है वो पैसा कमाने के लिए। एक बार काबिल बन जाओगे तो तुम्हारे पीछे पैसा भगते हुए आएगा, तुमको भगना नहीं पड़ेगा। जो ये कंपनी अच्छा नहीं है, वो कंपनी अच्छा नहीं है, तुमको ऑफर मिलेगा जाने के लिए अगर काम तुमको मालूम है, नॉलेज प्रॉपर तरीके से है। तो अभी बात आता है जो ये जो काम है कहाँ से सीखे और कैसे हम लोग वो सही जगह तक पहुँचे। तो वो पहुँचने के लिए मैं आप लोगों को दो वे बताऊँगा। एक होता है, मन के चलो आपको सही लाइन में अगर पहुँचाना है फेसर बंदों के लिए, तो मान के चलो आपको शुरुआत में प्लान में कहीं जॉब करना पड़ेगा। आपके पास जॉब तो बहुत सारा होंगे लेकिन आपको सही प्लेटफॉर्म में अगर शुरू से नहीं जाएंगे तो आपको आने वाला टाइम पर दिक्कत होगा। जैसे कि मान के चलो कोई प्रोजेक्ट पर आप लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। प्लान्ड और रोड बिल्डिंग ये सब चीज़ अलग है। प्लान्ड होता है पहली दफ़ा फास्ट आपको ट्रायल प्लान में करना है। जब आप प्लान में ट्रायल करेंगे उस टाइम क्या होगा, आपका माइंड है, जो आपका माइंड है वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा जो सर्वे वर्क कैसा होता है और सर्वे वर्किंग कैसे करना होता है। क्योंकि मान के चलो एक प्लान्ड में काम कैसे होते हैं, मान के चलो 0-0 तरीके से होता है। कोई भी बोल्ड आपको 0-0 फिक्स करना पड़ेगा, कोई भी टक्चर आपको 0-0 लेके जाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको रोड मिलता है, उसके अंदर आपको बिल्डिंग मिलता है, उसके अंदर आपको टक्चर मिलता है, सब कुछ A to Z मिल जाता है एक प्लान के अंदर, वो भी 0-0 के साथ। उसमें क्या होगा, आप जो करेंगे शुरू से आपको वही समझ में आएगा जो यही सर्वे है। अगर मान के चलो रोड में आप चले गए, रोड में जाने के बाद आपको मान के चलो कोई भी सेंटर लाइन दे रहे, कोई भी आप आउटर दे रहे, उसमें मान के चलो 10 mm 20 mm भाग जा रहा है, आप छोड़ दे रहे, मतलब चलो कोई बात नहीं वो एडजस्ट कर लेंगे। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपका आदत बन जाएगा आपको भूल काम करने का, आपको गलत काम करने का आदत बन जाएगा। इसलिए शुरू से अगर आप प्लान में जाएंगे तो आपको गलत जो आदत है वो नहीं होगा, वो सही आदत आपका रहेगा। उस टाइम आप कभी भी किसी जगह में काम करो तो आपका जो माइंड है, माइंड सेटअप रहेगा जो हमको यही करना है। देखो, कोई भी छोटा से कोई लड़का है, कोई बच्चा है, उसको जब बड़ा करते हो जो सिखाते हो शुरू से वो सीखता है ना। तो एक सर्वेयर बनने के लिए जूनियर से तुमको सही नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जब तुम जूनियर रहोगे तब से तुमको सही नॉलेज गेन करना है, तब जाके तुम प्रॉपर एक सर्वेयर बनोगे। ऐसा नहीं, ऐसा जो पैसा के पीछे भाग गया, इधर हम 5,000 मिले उधर 10,000 हम चले जा रहे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। खुद का लॉस कर रहे हो, खुद का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। देखो, सर्वे का मतलब अगर कोई कोई सोच लेता है जो टोटल लेसन चलाना है, सर्वे का मतलब बिल्कुल नहीं है। जिसका मन में ये गलतफहमी है दूर कर लो, फेंक दो ये गलतफहमी को, क्योंकि टोटल लेसन को लेकर तुम बड़े पोस्ट तक पहुँच नहीं पाओगे। टोटल लेसन एक होता है सहारा, सीनियर सर्वेयर बनने के लिए क्या एक आपको पोस्ट देने के लिए एक सहारा होता है। लेकिन आप जब तक ऑटोकैड में काबिल नहीं बनेंगे, जब तक आप उसका काम नहीं सीखेंगे, उसका काबिल नहीं बनेंगे, तब तक आपको इस प्रकार से ही साइड में घिसना है। तो मान के चलो प्लान में जाने के बाद आपको काम सीखने के लिए मिल जाता है जल्द से जल्द। रोड में जाओगे क्या, कुछ अदर्स प्रोजेक्ट में जाओगे तो उसमें तुमको लेट होता है और वो भी आदत तुम्हारा बिगड़ जाता है। उसमें अच्छा आदत नहीं मिलता है, उसमें बुरा आदत हो जाता है, गलत काम करने का आदत हो जाता है इस प्रकार से। तो प्लान वगैरह में जाओ शुरू में, ऐसे में किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ और किसी को मैं टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ जो रोड में जो होता है वो गलत काम होता है, लेकिन प्लान में जो 0-0 होता है रोड में होता नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो शुरुआत में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लान का जॉब मिले, प्लान का जॉब में काम कर सकते हैं तो इस प्रकार से ट्राई करो। अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा प्रोजेक्ट में जा सकते हो लेकिन सोलर प्लान और रोड में मत जाना। सोलर प्लान और रोड में मत जाना, रोड में पैसा है, रोड में पैसा है। बहुत सारा लोग बोलते हैं ना रोड में पैसा है, पैसा है लेकिन किसको देता है, किसको देता है। मान के चलो एक प्रोजेक्ट बन रहा है, एक मान के चलो दिलीप बिल्डकॉन एक बड़ा कंपनी, मान लो रोड में पैसा है, मैं मान लिया एक दिलीप बिल्डकॉन, मान के चलो एक यहाँ से रोड बन रहा है 10 किलोमीटर,
तो सीनियर सर्वर एक ही रखेगा ना, ना 10 ठो रख देगा, बताओ मेरे को। सीनियर सर्वर एक ही है, उसको मान के चलो 50,000-60,000 पेमेंट दे रहे हैं, तो एक ही सीनियर सर्वर है, एक बंदे को पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग तो काफ़ी सारा बंदे हैं ना, एक तो बंदे है नहीं, तो बाकी बंदा क्या करेगा, टोटल लेसन चलाएगा वो रोड प्रोजेक्ट में, तो टोटल लेसन जो चलाएगा उसका पेमेंट कितना रहेगा, 20-25-30 हार्डली, उससे ज़्यादा टोटल लेसन ऑपरेटर को नहीं देगा, टोटल लेसन चलाने बंदे को नहीं देगा, जो सर्वेयर है ओनली फॉर टोटल लेसन में काबिल है नहीं देगा उसको। देखो सर्वेयर मीन्स आपको टोटल लेसन प्लस ऑटोकैड दोनों सीखना है, और जब तक आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे ऑटोकैड और टोटल लेसन का जरिया, तब तक आप काबिल नहीं है एक सीनियर सर्वेयर बोलने का। टोटल लेसन से आप पूरा प्रोजेक्ट को हैंडल कर नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि मतलब मान के चलो छोटा प्रोजेक्ट है, डिस्टिलरी प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, तब तक बड़ी आसानी से आप हैंडल कर लेंगे, कुछ इशूज नहीं होगा, उसमें आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा, आप टेप से भी माफी करके कॉस्ट चेक कर सकते हैं, टोटल लेसन से भी आप लाइन ऑफसेट को कमांड लेकर एसओ लाइन को लेकर इजीली काम कर सकते हैं। तो फेसर बंदा इससे फंस जाता है, क्या होता है ना उसको सीखने के लिए नहीं मिलता है, उसको शुरू से कोई बदादा नहीं है, जो हम लोगों को ये जो हम लोग काम करते असल में बनते कहाँ से, कौन बनाते हैं, इसका प्रोसीडर क्या है, अगर आप लोग समझ के काम करेंगे तो काम बहुत ईजी लगेगा, नहीं तो शुरुआत में चला गया साइड पर और जाने के बाद क्या होगा ना, सीनियर जा रहा है उसके पीछे टोटल लेसन लेके लेके जा रहे हैं, कोई कान में चढ़ा लिया, कोई हाथ में चढ़ा लिया, उसके बाद ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और जाने के बाद गया पिजोम पकड़ा, बोला उधर पॉइंट चले जाओ, उधर पॉइंट चले जाओ, जाने के बाद पिजोम पकड़ा, पिजोम पकड़ने के बाद वही पॉइंट लगाया, दिन में थकावट फील हुआ, आके सो गया। इसमें क्या होगा ना, इसमें आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है, इसलिए सीनियर सर्वेयर बनने के लिए आप लोगों को 5-6 साल मिल जाता है। मैं आप लोगों को सीनियर सर्वेयर बनने के लिए बहुत हेल्प करता हूँ, मेरा चैनल पर फ्री वीडियो अपलोडेड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो सीनियर सर्वेयर बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, और सीनियर सर्वेयर बनते कैसे हैं, और प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट के कैसे आप लोग चालू कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, बाकायदे से मैं बताया हूँ, उसमें आप लोग जा सकते हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट उसमें बना हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास भी देता हूँ, लेकिन वो पेड है, भले ही वो पेड है, कोई कोई बोलेगा सर आप तो पैसा लेके पढ़ाते, नहीं मैं बता देता हूँ इसमें क्यों मैं पैसा लेता हूँ और क्यों पढ़ाता हूँ। इस प्रकार से मान के चलो एक तुमको टॉपिक चाहिए, एक मान के चलो कोई फेसर बंदा है, क्या कोई काम करते करते सीख चुके हैं तो सर्वे और डिटेल से जानना चाहता है, तो मान के चलो 1 आवर्स का लेक्चर होगा, एक वीडियो उसको क्रिएट करके देना पड़ेगा, क्या वीडियो है, जो भी है, जो भी तरीके से उसको समझाना पड़ेगा, तो 1 आवर्स मान के चलो एक वीडियो में अपलोड किया यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद वो वीडियो का रीच कितना आएगा मालूम है, उसमें 100 बंदा भी देखेगा नहीं सही से, क्योंकि 1 आवर्स बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है यार, किसी के पास उतना टाइम नहीं है, मान के चलो सब मेहनत करके आने के बाद किसी के पास 1 घंटा है सीखने के लिए, नहीं है, वो तो मोबाइल में रील चलाएगा, उसको टाइम नहीं है सीखने के लिए, मान के चलो 1 घंटा जब तुम उसको देखोगे तुम्हारा दिमाग भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर तुमको बोलेगा जो कोई चीज़ सीख लो 1 आवर्स का, सीखेगा नहीं, इसलिए मैं जो मेन पार्ट होता है, मेन जो टॉपिक होता है, मैं सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करके रखा हूँ, मैं क्लास उसको देता हूँ जो वीडियो देखने के बाद उसको लगता है जो हाँ मेरे को क्लास लेना चाहिए, उसको मैं क्लास देता हूँ। अगर तुम चाहते हो जो मेरे को भी सीनियर सर्वर बनना है, मेरे को भी पैसा कमाना है, तब तुम मेरे से क्लास ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो क्लास ही लेना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग वीडियो देख के भी सीख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चले जाना प्लेलिस्ट, जो हाउ टू सेट योर प्रोजेक्ट उधर लिखा हुआ है, और उसमें बहुत सारा वीडियो है पार्ट वाइज, मैं बता देता हूँ, मेरा कोई छुपाने का चीज़ नहीं है, जो मैं छुपा के रखा हूँ आप लोगों को शेयर नहीं करता हूँ, मैं जो वीडियो क्रिएट करता हूँ ऑनलाइन क्लास में भी वही बताता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को दिमाग में घुसाता हूँ। देखो जो पर्सनल बंदा मेरे से क्लास लेने के लिए आएगा उसको मैं समझाऊँगा मेरे तरीके से तो समझेगा, लेकिन ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें काफ़ी लोग बिजी है, इसमें लोगों को चाहिए शॉर्ट फॉर्म में नॉलेज, ठीक है, जितना शॉर्ट में आप नॉलेज दे पाएंगे उतना ज़्यादा लोग आपको प्यार करेगा, तो हम इतना सारा लॉन्ग वीडियो बना देंगे ना तो हमको गाली बकेगा, बोला कि कितना बड़ा वीडियो बना देता है, लेकिन वो जो नॉलेज में उसमें शेयर करूँगा कोई देखेगा नहीं, ये भी वीडियो मेरा जो बन रहा है ये करीब 10 से 20 मिनट का हो सकता है, लेकिन ये भी पूरा नहीं देखेगा, कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में जो बनाता हूँ फेसर बंदों के लिए हकीकत रियलिटी के साथ 100% वर्कफुल वीडियो बनाता हूँ, अगर मेरा कहने से आप लोग सही मत है तो मेरे को कमेंट करके बताना जो सर आप सही बोल रहे हैं। तो अभी आ जाते हैं मुद्दे पे, जो पैसा के पीछे भागना नहीं है तो पैसा आपके पीछे भागते हुए आएगा, और एक बात बताया नहीं, अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पॉजिटिव बता दूंगा किस प्रकार से हमारा क्लासेस चलते हैं, ओके, तो
पैसा आपके पीछे कैसे भागते हुए आएगा, तो उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। और काबिल कैसे बनेंगे वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, शुरू से आप लोगों को प्लान में जाना है और काम को सीखना है, गेन करना है। और कैसे करना है, शुरुआत में आपको अगर चाहे तो क्लास ले सकते हो, नहीं तो मेरा वीडियो बना हुआ है प्ले लिस्ट वाइज, बेसिक बिगनर टू एडवांस, ठीक है, एडवांस लेवल कैसे जा सकते हैं बिगनर से, वो आप वीडियो देखिए। देखने के बाद आप लोगों को गेन हो जाएगा, ठीक है। जब टोटल डिसन एक साइड को समझ लिया, उसके बाद आपको ऑटोकैड में स्विच करना है, लेकिन ऑटोकैड आपको सीखना है। ऑटोकैड बगैर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा हकीकत है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, ये हकीकत है। आप ऑटोकैड जानेंगे आपका कितना हेल्प होगा, आप जब टोटल डिसन ओवरराइडिंग करेंगे, जो मैनुअली कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या किसी प्लॉट को लेआउट करते हैं, उस टाइम जो आप मैनुअली करते हैं उस टाइम जितना मेहनत होता है, अगर ऑटोकैड को यूज़ करने के बाद देखिए आपको काफ़ी सारा 80% हेल्प हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऑटोकैड आपको मास्ट आना चाहिए। उसके साथ साथ आप जब सिविल में जुड़े हैं तो सिविल का काम भी आपको मालूम हो जाएगा। देखो, एक ही चीज़ में तुम रहोगे जो हम पॉइंट ही देंगे, ऐसा नहीं, तुमको और भी आगे डेवलप करना है खुद को, तब जाके तुम बनोगे सीनियर। ऐसा नहीं, ऐसे मान के चलो जब सीनियर सर्वर तुम बन जाओगे उसके बाद क्या करोगे, तुम्हारा उम्र बढ़ते हुए जाएगा, तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ भी सीखना है ना, जैसे बिलिंग कैसे करना है, ऑफिस वर्क चूज़ करना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ऑफिस वर्क चूज़ करना है तुमको। देखो, सर्वे का जो होता है ऑटोकैड रिलेटेड हो गया, बिलिंग फिलिंग करना है वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ तुम स्विच हो सकते हो। कहाँ स्विच हो सकते हो, एक डिग्री कर लो, डिग्री के बाद तुम बिलिंग में आ जाओ। बिलिंग में क्या कर सकते हो ना, जो सिविल का स्ट्रक्चर वगैरह देख लो, उसके बाद जो होता है काम सर्वे तो करते हो, साथ साथ टक्चर भी देख लेना क्या दिक्कत है। देखो, सर्वेयर जो ड्राइंग पढ़ लेते हैं उससे अच्छा मेरे को लगता नहीं है जो कोई ड्राइंग पढ़ता है, जो एक्सिबिशन वगैरह वगैरह जो भी है। सर्वेयर का एक डाउट होता है बीबीएस पर, जो डाउट होता है बीबीएस पर, मैं बता देता हूँ ना, सेक्शन वगैरह वो खुद बनाते हैं, ऑटोकैड जो यूज़ करते हैं ना, ड्राफ्ट एंड एनोटेशन का जो काम करते हैं, उसको मालूम है जो मैं कहने वाला हूँ और जो कह रहा हूँ वो हकीकत है। देखो, सर्वेयर को डाउट होता है बीबीएस पर, थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन मेरा चैनल पे जुड़े रहिए, मैं धीरे धीरे आप लोगों को कवर कर दूंगा जो बीबीएस कैसे बनते हैं, मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा, सर्वेयर से सिविल इंजीनियर कैसे बनते हैं वो भी सिखाऊंगा, मेरे साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोगों को इसके साथ साथ स्विच होना है, काबिल बनना है, तब तो पैसा आएगा। सर्वे देखो, मल्टी टास्क तुम जब करोगे तुमको पैसा तुम्हारे पीछे भगते हुए आएगा, तुमको जाना कहीं नहीं पड़ेगा। मान के चलो तुम सर्वे भी देख रहे हो, सिविल भी देख रहे हो, क्या बिलिंग कर रहे हो, ये तो शॉर्ट है भाई, कुछ दिक्कत नहीं है। बिलिंग करना बहुत इजी है, सिर्फ दिमाग में घुसाना है, तो ये कर सकते हो। फ्यूचर में, फ्यूचर बता दिया, लेकिन शुरू से आप लोगों को ऐसा चूज़ करना है, आपको जैसे जीरो जीरो काम हो, आपको आदत सही बनाना है, गलत नहीं। कोई बंदा बोल देगा जो ये भाई फालतू बकवास कर रहे हैं, फालतू नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ। जो अभी काबिल पोजिशन पर है, जो सक्सेस में है, उसको जाके पूछ लेना जो वो कौन सा फील्ड से गेन किया था ये सब नॉलेज। तो आजकल का डेट में तो काफ़ी सारा चैनल बन चुका है और उससे भी आप लोग नॉलेज भर भर के ले सकते हैं। लेकिन हमारा टाइम पर, हम लोग जब सर्वे किया, जब काम सीखा है, उस टाइम यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब में इतना सारा चैनल नहीं था, था और हम लोगों को मिलता भी नहीं था, हम लोगों को मालूम नहीं था कि इस प्रकार से सर्च करना है, हाउ टू रिसेक्शन। आजकल तो हिंदी में लिखने से भी आ जाते हैं, मेरा काफ़ी सारा वीडियो में कीवर्ड ऐसा करके रखा हूँ, जो आप बांग्ला में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तब भी आ जाएगा, हाउ टू रिसेक्शन, टोटल डेसन कैसे हम लोग रिसेक्शन कर सकते हैं। ये जो होता है ना, मिलता नहीं था उस टाइम। आजकल का डेट में तो आप कुछ भी लिख दीजिए आ जाता है। तो ये हो गया आप लोगों को सीखने के लिए और एक प्लेटफॉर्म, जो कि हम लोगों के टाइम में नहीं था। तो इतना कुछ करने के बाद अगर आप लोग काबिल नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे, मेरे को बताओ कब बनेंगे। तो पैसा आपके पीछे भगते हुए आएगा, लेकिन आपको काबिल बनना है। पहले आपको पैसा के पीछे भगना नहीं है, पहले आपको काम का पीछे भगना है, उसके बाद पैसा आपके पीछे भगते हुए आएगा। मेरा कहने का मतलब एक था, ठीक है। ये बात आप लोगों को कैसा लगा मेरे को बताना। पैसा के पीछे भगना नहीं है भाई, मेरा दोस्त, मेरे यार, पैसा के पीछे मत भगो, पहले काम के पीछे भागो और सही प्लेटफॉर्म को चूज़ करो, जिधर आप लोगों को एक्यूरेसी के साथ साथ काम करने के लिए मिले। और जो साइड में जाओगे फटाफट आप लोगों को मेहनत करना है। मेहनत जिस साइड में है उस साइड में तुम काम सीख पाओगे, जिस साइड में मेहनत नहीं है उस साइड में फालतू पड़ा रहोगे, घिस घिस के तुम्हारा वही प्रिज्म और टोटल डिसन को इधर से उधर, उधर से इधर लेके आओगे, लेके जाओगे, काम कुछ सीख नहीं पाओगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है और थोड़ा सा भी आप लोग मोटिवेट हुआ है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीकेंड। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने की। आउटडोर में शूट कर रहा था आज, देखो रिकॉर्ड करते करते शाम हो चुका है, तो पीछे बैकग्राउंड देख के आप लोगों को समझ में आ चुके हैं जो मैं आउटडोर में हैं, और आउटडोर में बैकग्राउंड का कलर देख के भी आप लोगों को समझ में आ गया जो अंधेरा हो चुका है।
तो आज का वीडियो यही था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का हर कमेंट में पढ़ता हूँ ध्यान से, कभी प्यार से पढ़ता हूँ, आप लोग जितना सारा कमेंट करते हैं मैं हर कमेंट को प्यार से रिप्लाई करता हूँ। एक कमेंट करिए ये वीडियो में कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तब भी कमेंट करना, बुरा लगा तब भी कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तब भी कमेंट करना। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।